अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान। टुडे आई एम हेयर टू प्रेजेंट माय टॉपिक। माय टॉपिक नेम इज़ डेटाबेस सिक्योरिटी एंड इट्स सॉल्यूशंस। माय ग्रुप मेंबर्स आर बिलाल जमीन रोल नंबर 6, ज़ैफ़ अबूबकर रोल नंबर 9 एंड मुनीबुर रहमान रोल नंबर 36। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय टॉपिक database security and solution. First of all, I will discuss what is a database security. Database security include a variety of measures used to secure database management system from malicious cyber attack and legitimate uses. Mean इसका ये है कि हम database security में मुख्तलिफ किस्म के measures use करते हैं अपने data management को save करने के लिए किसी भी cyber attack या किसी भी unauthorized attack के लिए। उसके आगे हमारे पास आ जाता है डेटाबेस सिक्योरिटी प्रोग्राम आर डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट नॉट ओनली द डेटा विद इन अ डेटाबेस बट आल्सो द डेटा मैनेजमेंट सिस्टम इटसेल्फ। ये हमें सिर्फ उसके जो प्रोग्राम्स या जो चीज़ हमारे पास पड़ी है उसको सिर्फ नहीं प्रोटेक्ट करता बल्कि उसकी जो मैनेजमेंट है डेटाबेस की उसको भी प्रोटेक्ट करता है। किसी भी एप्लीकेशन को उसे एक्सेस करने को उसे मिसयूज़ करने के लिए जो हमारा डेटा पड़ा है सिर्फ उसे किसी भी मिसयूज़ या किसी अटैक से नहीं सिर्फ बचाता बल्कि उसकी जो डेटाबेस की मैनेजमेंट है ओवरऑल उसको भी देखता है कि उसे कोई मिसयूज़ ना करे, उससे जो प्रोसेस है उसको कोई ख़राब ना करे या उसकी जो हम मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उस पर कोई अटैक ना हो सके। ये होती है किसी भी डेटाबेस की सिक्योरिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि हम डेटाबेस सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं। अब मेन हमारा जो मकसद है इस टॉपिक का कि हमने बताने हैं आप बताएंगे कि थ्रेड्स क्या होते हैं डेटाबेस सिक्योरिटी को, कौन कौन से थ्रेड्स इसको दरपेश आ सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास जो है मिसयूज़ होते हैं या मिसकन्फिग्रेशन होती हैं, साइबर अटैक्स होते हैं किसी भी डेटाबेस को हैक करने के लिए या आप कह लें उसे एक्सेस करने के लिए। तो इस टॉपिक में हम जो है कोशिश करेंगे कि इन जो जो थ्रेट्स हैं उनको आपके सामने डिस्कस करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है ह्यूमन एरर। ये ह्यूमन एरर बिल्कुल एक बेसिकल एरर है जो सबसे ज़्यादा जो हम खुद ही अपने लिए एक मसला बना लेते हैं या हम खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं। और नेक्स्ट इसमें ये है कि ह्यूमन एरर कितने टाइप्स के हो सकते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। वीक पासवर्ड सिक्योरिटी, ये सबसे मेन मसला है हमारा ह्यूमन एरर में कि पासवर्ड में कोई ना कोई मसला आ जाता है या पासवर्ड जो हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं अपने ताकि हमें हमारे जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से कोई मतलब क्रैक ना कर सके, उसको एक्सेस कोई ना कर सके। तो वीक पासवर्ड में हम मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास यूजिंग अ सिंपल पासवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हम बिल्कुल ही सिंपल पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं। हमारा जो पासवर्ड होता है बिल्कुल सिंपल होता है या जो हमारे साथ एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं या कोई भी हमारा ग्रुप मेंबर वो आराम से गैस कर सकते हैं कि हम कौन सा पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं या कौन सा पासवर्ड हम कॉमन यूज़ करते हैं। तो इस तरह इजी होगा उनको हमारी इंफॉर्मेशन को एसेस करना। दैन हमारे पास आ जाता है शेयरिंग पासवर्ड। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि अपने पासवर्ड मतलब केयरलेस या मिस्टेकली किसी भी जानने वाले को अपना पासवर्ड बता बैठते हैं तो वो उसको बाद में हमारे लिए मसला बना के बाद में हमारे लिए यूज़ करता है और हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जो है ना एक्सेस कर लेता है और हमारे अकाउंट डिफरेंट सर्विसेज और जो अकाउंट्स हैं उनको एक्सेस करने की कोशिश करता है। और इसमें ये भी आ सकता है कि हमारे एक ही अकाउंट मुख्तलिफ अकाउंट के एक ही पासवर्ड होते हैं, मतलब हमारा बैंक अकाउंट है या आप कह लें हमारा कोई मैनेजमेंट सिस्टम है उसका अकाउंट है तो हम सब का एक ही या पासवर्ड रखते हैं तो या एक ही आईडी रखते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर एक का पता चल जाए तो कोई भी जो हैकर है या जो अनऑथराइज पर्सन है वो हमारे डाटा को हैक करना चाहता है या एक्सेस करना चाहता है तो वो उससे गैस कर सकता है कि हमारा पासवर्ड क्या हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केयरलेस हैंडलिंग ऑफ डाटा। ये भी एक ह्यूमन एरर की टाइप है, मीन कि हम जो अपने डाटा है उसको बिल्कुल केयरलेसली डील करते हैं। देर आर सम पोजिशन विद इन कंपनी इन विच एम्प्लॉय रूटीनली वर्क विद लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड हैंडल सेंसिटिव डाटा दोज डैट वर्क इन सच फील्ड कैन समटाइम लीक एंड कंप्लीट डाटा आउट ऑफ केयरलेस। ऐसा होता है कि हमारे जो एम्प्लॉय रूटीनली सेंसिटिव डाटा को डील कर रहे हैं लेकिन कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि वो हमारी जो
तो हमारे जो कंप्रोमाइज डाटा है उसकी केयरलेसनेस की वजह से उसे लीक कर बैठते हैं। इट्स क्वाइट अमेजिंग हाउ वन स्मॉल मिस्टेक विल वर्किंग सच अ पोजीशन कैन रिजल्ट इन अ मेजर डाटा क्राइसिस। इसमें यह है कि एक छोटी सी गलती हमारे हमें बता मत बता बताएगी कि हमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। सच केयरलेस मे बी रिजल्ट ऑफ सिंपल मिस्टेक और इट मे बी कॉज बाई द फैक्ट डेट एम्प्लॉयड और नॉट डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेड डाटा। इसमें यही है कि हमारा जो एम्प्लॉय है शायद उसे पता ही नहीं है कि उसकी कितनी लापरवाही है, उससे पता ही नहीं है कि हमारा डाटा कितना सेंसिटिव है। दिस इज़ वेयर एम्प्लॉयज़ एजुकेशन इज़ अ वाइटल। डैट्स वाई हमें जो है अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एजुकेटेड होने चाहिए। वेल आप कह लें कि वेल एजुकेटेड होना उनका ज़रूरी है, या वेल नाउन पर्सन होना चाहिए कि डाटा कितने सेंसिटिव है, या उसे केयर करनी चाहिए अपने डाटा की, तब जाके हमारा डाटा सेव रह सकता है। सम कॉमन मिस्टेक इसमें जो है इंक्लूड होती है, मीन के डाटा के डाटा हैंडल केयरलेसनेस में। सेंडिंग डाटा वी ईमेल, अक्सर ये होता है कि बहुत से अच्छे अच्छे एम्प्लॉय, समझदार एम्प्लॉय या पुराने एम्प्लॉय भी अपनी जो ईमेल्स के थ्रू ही अपना डाटा सेंड करते हैं। अगर मिस्टेकली आप फर्ज कर लें कभी जल्दी में, या ओवर एफिशिएंट कोई हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो, अपना डाटा किसी रॉन्ग ईमेल पे सेंड कर देता है, तो हमारे लिए हमारी जो सेंसिटिव डाटा है वो लीक हो जाएगा और हमारे लिए बहुत बड़ा इशू आएगा। या कोई भी इसके अलावा एक्सीडेंटली डिलीटिंग फाइल आ जाता है, हमारा एम्प्लॉय है डिलीट कर बैठता है किसी, मतलब सिर्फ इसलिए कि हमारा जो है हमें क्लियर स्पेस मिल जाए, या हमारी जो स्टोरेज स्टोरेज में जगह नहीं है उसको स्टोरेज में जगह बनाने के लिए। उसे इस इतना पता नहीं होता कि हमारे लिए डाटा कितना इम्पोर्टेंट है, वो ना समझे में उसे डिलीट कर देता है और बाद में पता चलता है कि वो डाटा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है इनएडिक्वेट सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। इसमें यह है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत केयरलेस हो जाते हैं, कि हम उनको बस यही होता है कि हम ये टास्क डेली कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत इजी है। दिस टर्न द वर्क इनटू समथिंग एम टू एफिशिएंट रैदर देन केयरफुली। इसमें ये है कि वो अपने काम को अब एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, ना कि वो ख्याल रखें या आराम आराम से काम करें। वो कहते हैं हम कोई अपने काम को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। दिस कॉज देम टू निगलेक्ट फॉलोइंग प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर। इसमें वो भूल जाते हैं कि हमारे सिक्योरिटी प्रोसीजर्स क्या हैं, या सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ वर्ट कन्वेंशन हेड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डे यूज डाटा दे आर वर्किंग विद हर। वो मुख्तलिफ किस्म से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपनी एफिशेंस बनाने के लिए, इसलिए हमारे पास इशू आ सकते हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, निगलेक्टिंग द अपडेट्स, मीन की अपडेट्स को वो मतलब कहते हैं कि अपडेट्स आई है तो उसे कुछ वैल्यू नहीं देते, या मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और उनकी अपडेट पे काम नहीं करते जो उनकी सिक्योरिटी के लिए बेस्ट होती हैं। उसके अलावा डिसेबल सिक्योरिटी फीचर्स, मुख्तलिफ जो हैं आप अगर वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उनकी जो सिक्योरिटी फीचर हैं उनको डिसेबल कर देते हैं, इस समझ में कि इससे ये ना हो कि हमारा वर्किंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाए, या हमारी एफिशेंसी कम हो जाए। एफिशेंसी इंक्रीज़ करने के लिए वो अक्सर अपनी जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उनको भी सॉफ्टवेयर की अनइंटेंशनली कर देते हैं अनेबल, जिसकी वजह से या डिसेबल, इसकी वजह से हमारे लिए डाटा को सिक्योर रखना मुश्किल हो जाता है। देन हमारे पास आ जाती है लो सिक्योरिटी अवेयरनेस। हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें सिक्योरिटी जो है अवेयरनेस ही नहीं होती, कि उन्हें पता ही नहीं होता कि किसी भी डाटा की सिक्योरिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हैकर अटेम्प्टिंग टू इंस्टॉल मालवेयर रनस ऑफ्टन टू डू सम अनप्रिपेयर्ड एम्प्लॉय। तो इसलिए हैकर्स जो होते हैं उनको बड़ी आसानी हो जाती है अपने हमारे डाटा को एक्सेस करना, अगर हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वेल अवेयर नहीं होंगे सिक्योरिटी से। इसमें यह है कि किस तरह वो हमारे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, यूजिंग एंड डाउनलोड अनऑथराइज सॉफ्टवेयर। जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन से ऑथराइज हैं और कौन से अनऑथराइज सॉफ्टवेयर हैं, वो चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं और जिसके ज़रिए हैकर्स या अनऑथराइज पर्सन को हमारे डाटा को एक्सेस करना बहुत ही आसान हो जाता है। उसके अलावा क्लिकिंग ऑन अ मलिशियस ईमेल, लाइक जैसे हमने रैनसमवेयर पढ़ा था जिसमें यही था कि मुख्तलिफ किस्म की ईमेल आ जाती हैं, या मुख्तलिफ वेबसाइट पे एक एडवर्टाइजमेंट आ जा लग जाती है कि इस पर क्लिक करने वरना आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हम अनऑथराइज या मलिशियस ईमेल लिंक पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमारे एम्प्लॉय ज़्यादा एजुकेटेड या वेल अवेयर नहीं होते
मलिशियस ईमेल्स के बारे में, जिस वजह से हमारी सिक्योरिटी लीक हो जाती है। देन प्लगिंग अननोन और इनसिक्योर डिवाइसेस, इसमें यही है कि अनसिक्योर या बिल्कुल अनफेमिलियर जो डिवाइसेस होती हैं कंपनी की, उनको अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हैं। दिस कैन कंटेन मलिशियस कोड दैट विल रन ऑटोमेटिकली। इसमें मलिशियस कोड्स हो सकते हैं, वाइसेज हो सकते हैं। इवन इफ डिवाइस इज प्रॉपर्टी ऑफ द एम्प्लॉय, योर कंपनी शुड फॉरबिड एनी आउटसाइड आउट डिवाइसेज। इसमें यही है कि जो कंपनी है उनको कोई भी आउटसाइड डिवाइसेस एम्प्लॉय को अलाउ नहीं करनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू हमारे सिस्टम में वाइसेस आ जाएं और जिससे हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो सके, ऐसी डिवाइसेस को एम्प्लॉयज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए। देन हमारे पास लास्ट में आ जाता है इनफेक्टेड डाटा एसेस मैनेजमेंट। इसमें ये है कि कंट्रोलिंग एसेस टू सेंसिटिव डाटा इज़ अ बेसिक पार्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी। कंट्रोलिंग एसेस टू सेंसिटिव डाटा बेसिक पार्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी, किसी भी ये जो है ना सिक्योरिटी का सबसे मेन पार्ट यही है कि उसके सेंसिटिव डाटा को असेस करना। हाउ आर मैनी ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रांट ऑल एसेस टू एम्प्लॉय बाई डिफॉल्ट अनलेस इट स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि हर एम्प्लॉय को ये अलाउ कर दिया जाता है, दिस शुड नॉट बी डन। मीन के इसमें ऐसा अलाउ नहीं करना चाहिए। डाटा सेट शुड बी लिमिटेड ओनली दोज हु नीड एसेस टू कंप्लीट डाटा। इसमें यही है कि कंपनीज हर बंदे को अलाउ कर देती हैं जो कि नहीं होना चाहिए, सिर्फ उनको ही अलाउ होना चाहिए जिनका उससे कुछ लिंक है या ज़रूरी है। इसमें ये आ जाता है हैविंग टू मैनी प्रिविलेजेस। एम्प्लॉयज मैनी एंड अप हैविंग एसेस टू डाटा और सिस्टम कॉन्फिगर दैट दे शुड नॉट हैव सच एसेस कैन रिजल्ट इन एक्सीडेंटली डाटा लीक। ये है कि बहुत सारे मतलब जो एम्प्लॉयज नहीं होने चाहिए उनको भी हम ऑथराइज कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंटल डाटा लीक होने की हमें खदशा रहता है। परफॉर्मिंग अनऑथराइज सिस्टम चेंजेस, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है इसमें, जिसमें ये होता है कि एम्प्लॉयज में परफॉर्म अनऑथराइज सिस्टम चेंजेस इन ऑर्डर टू स्पीड अप देयर जॉब। कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो चोरी छुपे या कंपनी को बताए बगैर अनऑथराइज चेंजिंग करते हैं सिस्टम में, सिर्फ अपने काम को जल्दी जल्दी करने के लिए। हाउएवर दे आर मोस्टली लाइक अनअवेयर दैट सच चेंजिंग कैन डिस्टर्ब, और उन्हें इतना भी पता नहीं होता, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि वेल अवेयर होने चाहिए सिक्योरिटी के बारे में। उन्हें सिक्योरिटी का पता नहीं होता कि सिक्योरिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि ये बाद में ये काम जाके हमें कितना डिस्टर्ब करेगा। ऐसे कामों से बचने के लिए हमें उनको वेल अवेयर करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि आपने ऐसे काम नहीं करने। नेक्स्ट जो है आपको जो भी हमारे थ्रेड्स वगैरह हैं वो हमें मेरे मेरे ग्रुप मेंबर बिल उजैफ अबकर आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ जुज़ैफा बकर, रोल नंबर 9। टुडे माय टॉपिक इज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भी जो डेटाबेस की वीकनेस हैं, वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उसे कैसे एक्सप्लॉयट करते हैं ये साइबर क्रिमिनल। उसमें यह है कि भी जो वीकनेस होती है ना उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेते हैं ये साइबर क्रिमिनल। इसमें यह है कि डेटाबेस को दिन ब दिन साइबर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें यह है कि भी जो साइबर क्रिमिनल होते हैं ना वो ज़्यादातर डेटाबेस को ना अपना वो की टारगेट बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है, वो अपन हमारा जो सेंसिटिव डाटा होता है वो वर्ल्ड वाइड लीक भी कर सकते हैं, उसे अपने पास अपने अपने पास भी ले सकते हैं, मतलब और हैक भी कर सकते हैं हमारी डेटाबेस को। तो उससे ये है कि भी हमारा सारा जो सेंसिटिव डाटा होगा वो उनके पास चला जाएगा। तो उसमें कुछ वीकनेस या वल्नरेबिलिटीज हम कह सकते हैं ये हैं कि भी डिप्लॉयमेंट फेलियर हो सकता है, ब्रोकन डेटाबेस, डाटा लीक्स, स्टोलन डेटाबेस बैकअप, अब्यूज़ ऑफ डेटाबेस फीचर, सब स्टैंडर्ड की मैनेजमेंट, डेटाबेस इनकन्सिस्टेंट। तो इन इनको अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है डिप्लॉयमेंट फेलियर। डिप्लॉयमेंट फेलियर में यह है कि भी जिस टाइम हम डेटाबेस बना रहे होते हैं ना उस टाइम हम कुछ मतलब केयर नहीं करते, कुछ गलतियां कर देते हैं, मतलब उसकी सही से केयर नहीं करते, और डिप्लॉयमेंट के वक्त ना तो उसमें कुछ ना कुछ रह जाती हैं वीकनेस वगैरह ना। तो इसमें यह है कि भी डेटाबेस को ना इवन के डेटाबेस को हम लोग टेस्ट भी करते हैं उसकी फंक्शनैलिटी को, कि भी आया कि भी वो सही वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही जिसके लिए हमने उसे डिज़ाइन किया होता है। तो इसमें यही आ जाता है कि भी डिप्लॉय करते हुए फेल हो जाना, मतलब कि सही से डिप्लॉय नहीं की, केयर नहीं की हमने। इसके बाद आ जाता है ब्रोकन डेटाबेस। डेटाबेस ब्रोकन में ये है कि भी हम लोग जो एक वायरस के ज़रिए या खुद से ना मतलब
कोई ना हैक साइबर क्रिमिनल हैकर ना डेटाबेस को ब्रोक कर देता, मतलब तबाह कर देते हैं। उसमें ये होता है कि भी एक इसमें SQL स्लमर वॉम्स का जिक्र किया गया, जो 2003 में ना इसमें 90% जो वीक कंप्यूटर थे उन्हें 10 मिनट के अंदर ना, वो जिस टाइम वो डिप्लॉयमेंट के 10 मिनट के अंदर ही उन्होंने वो कर दिया था, इन उसको अटैक किया था। उसमें ये हुआ था कि भी जो माइक्रोसॉफ्ट की थी ना SQL सर्वर डेटाबेस, उसको इन्होंने टारगेट बनाया था। और उसमें ये था कि भी जो ATM मशीन थी ना उन्हें स्टॉप कर दिया था इन्होंने, तो वो वर्किंग करना उन्होंने स्टॉप कर दिया था। और इसके अलावा इन्होंने इंटरनेट को स्लो कर दिया था। और इसमें जो एक रिपोर्ट आई थी बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा था कि भी 13,000 से भी ज़्यादा ने ना ATM मशीन ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि भी कैश विड्रॉ से। तो और इससे आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, इससे आगे आ जाता है डाटा लीक्स। इसमें यह है कि भी डाटाबेस को ना सेफ समझा जाता है इंटरनेट थ्रेट से ना, जो इसकी वजह यही है कि भी बैकएंड पे यूज़ होती है डेटाबेस और इसे ना इनक्रिप्शन लगाई जाती है। लेकिन ये के इसमें ये नहीं है, इसमें यह है कि भी ना डेटाबेस ने ना नेटवर्किंग इंटरफेस भी होता है इसमें ना कंटेन किया होता है मतलब। और इसके अलावा इसमें यह है कि भी इसे वो नेटवर्किंग इंटरफेस को वो अपना वेपन बना के ना हैकर्स, तो वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इसमें के भी हमें ना इसमें यह है कि भी एडमिनिस्ट्रेटर को यूज़ करना चाहिए SSL और या TLS इंक्रिप्शन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए। उससे यह है कि भी हम अपना डाटा को लीक होने से बचा सकते हैं। इससे आगे आ जाता है स्टोलन डेटाबेस बैकअप। तो इसमें यह है कि भी एक्सटर्नल तो हमने जिक्र कर लिया, उसमें यह इंटरनल भी तो कोई कॉरपोरेशन जिस तरह हमारी कोई डेटाबेस को हैंडल कर रही है, तो उसमें जो टीम होती है उसके अंदर से भी तो क्या पता वही मतलब डेटा को स्टील कर ले और हैकर्स को सेल कर दे। तो उसमें यह है कि भी वो करेगा क्यों यूँ, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं कि भी वो पैसों के लिए भी कर सकता है, कोई उसे प्रॉफिट हो रहा है तो किसी और किस्म का प्रॉफिट उस वजह से भी कर सकता है, या फिर किसी से अगर किसी ने बदला लेना हो तो वो उस वजह से भी वो जो डाटा होगा ना उसे वो लीक कर देगा और हैकर्स को दे देगा हमारा सेंसिटिव डाटा। उसके बाद आ जाता है अब्यूज़ ऑफ डेटाबेस फीचर्स। तो इसमें यह है कि भी जो डेटाबेस के फीचर्स है ना उसे हैकर अब्यूज़ करते हैं उसका, उसको किस तरह करते हैं कि भी ये रिसर्च टीम ने एक लिखा हुआ है कि भी पास्ट 3 ईयर में ना हर एक डेटाबेस एक्सप्लॉइट की है अपने मकसद के लिए यूज़ की है, जो बेस करती है मिसयूज़ के स्टैंडर्ड डेटाबेस के फीचर्स के ऊपर। तो ये है कि भी इसमें जो हैकर्स होते हैं ना वो क्रेडेंशियल जिसमें लॉगिन वगैरह होता है ना यूज़र का, वो उसको असेस कर लेती है और उसे आर्बिट्रेरी रन करती है आर्बिट्रेरी कोर्स के ऊपर। मतलब ये है कि भी मिसयूज़ करती है डाटा का हमारा ना, ये इसमें ये आ जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सब स्टैंडर्ड की मैनेजमेंट। इसमें यह है कि भी की मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए बनाया जाता है कि भी की को ना हमने सेफ तरीके में रखना है और उसे मतलब सारा मैनेज करना है। तो इसमें यह होता है कि भी कुछ जो डेटाबेस की होती है ना उसे ना कंपनी के डेस्क के ऊपर ही ना ड्राइव के ऊपर डेस्क ड्राइव के ऊपर ही सेव कर देते हैं कि इसको ये कितना रिस्की काम है। आप खुद ही देखें ना कि भी जो डेटाबेस के ऊपर ही मतलब जो कीज़ होंगी उसका सारा इंक्रिप्शन मतलब सारी वो उसी वहीं पे स्टोर होगी, तो वो जो हैकर होगा तो वो कितनी आसानी से उसे मतलब एसेस कर लेगा, तो सारी की अपनी वो कर लेगा। लेकिन इसमें यह है कि भी अगर वो दूर रखेंगे तो उसमें ये मसला ये होगा कि भी जिस टाइम अगर फेलियर आ जाती है डेटाबेस के अंदर तो वो की को पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद जाके वो उसे वो करेंगे क्या नाम है फेलियर को मतलब रिमूव करेंगे। इसमें ये भी एक मसला ये बन जाता है, वीकनेस ये है कि भी हमारे पास हमें उसी के अंदर रखनी पड़ती है डिस्क ड्राइव के अंदर, तो ये एक फ्लॉ कह सकते हैं, ये वीकनेस कह सकते हैं डेटाबेस की। इसके बाद ये डेटाबेस इनकंसिस्टेंस है। इसमें यह है कि भी जो वीकनेस होती है ना उन सब का एक जो ये इसके आती है कि भी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी होती है, इसकी वजह ये एडमिनिस्ट्रेटर की होती है कि भी ये डेटाबेस की टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है, ये डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की है। इसमें यह है कि भी हम इनकंसिस्टेंटली उसे मतलब ख्याल नहीं रखते, उसका केयर नहीं करते उसकी, इस वजह से तो इनकंसिस्टेंट रहते हैं हम इस चीज़ में। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डैनियल ऑफ सर्विस अटैक।
इसमें ये होता है कि भी एक जो कंप्यूटर होता है ना, एक कंप्यूटर कंप्यूटर से हम लोग ना फेक ट्रैफिक सेंड करते हैं लार्ज अमाउंट के हिसाब से ना, एक फेक ट्रैफिक को सेंड करते हैं। उससे ये होता है कि भी डाटा बेस हमारी ना हैंडल नहीं कर सकती उसे, वो या तो क्रैश कर जाती है या फिर अनस्टेबल हो जाती है, मतलब वो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि फेक आ रही होगी। वो यूज़र को, उसने डाटा बेस का यही काम होता है कि भी यूज़र को सारे सबको मैनेज करना, उन्हें हैंडल करना, तो इसमें ये आ जाता है। इसमें अब दो चीज़ें आ जाती हैं, DOS और DDoS। तो उसमें अब DOS में ये है कि भी एक सिंगल इंटरनेट को ना कनेक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं, और मतलब हैकर यूज़ करता है और उसे वो सॉफ्टवेयर को वीकनेस बना के अपने मकसद के लिए यूज़ करता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को जनरेट करके उधर डेटाबेस पे सेंड करता है। और इसके अलावा जो DDoS है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल सर्विस अटैक है, इसमें यह है कि भी मल्टीपल ना कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं, वो एक दूसरे से लिंक होती हैं जो इंटरनेट पे, उन्हें वो यूज़ करता है। उसमें एक था DDoS में, और इसमें DDoS में यह है कि मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं यूज़ करता है, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ उसमें भेजता है ये डाटा को फेक यूज़र को। तो इस तरह ये अटैक किया जाता है इसके ऊपर, डेटाबेस के ऊपर। इससे आगे आ जाता है इसे हम हाउ टू स्टॉप DDoS अटैक। इसमें यह है कि भी हम ना जो ट्रैफिक आ रही है ना हमारी वेबसाइट या जिस चीज़ के ऊपर भी, मतलब हम जहाँ भी ट्रैफिक मंगवा रहे हैं, मतलब हमारी ट्रैफिक जिसके ऊपर आती है, तो उसमें यह है कि भी एबनॉर्मलिटीज़ अगर उसमें हो जाए ना, कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो, तो हमें उसके ऊपर चेक रखना चाहिए। मतलब जो मैनेजमेंट हमारी टीम है ना डेटाबेस की, उसे चाहिए कि भी वो उसे मैनेज करके रखे और उसके ऊपर पहले से ही वो रेडी रहे अगर यूं कुछ हो, या सस्पेक्ट IP एड्रेस अगर कोई विजिट कर रहा है हमारी वेबसाइट के ऊपर, उस तरह का वो उसके ऊपर चेक करे, उसकी केयर करे। और उसके अलावा ये है कि भी सोशल मीडिया के ऊपर हमें वो रखना चाहिए, अब देखते रहना चाहिए हमें पर्टिकुलर, इसमें लिखा हुआ है कि भी ट्विटर के ऊपर। और इसके अलावा ये है कि भी ट्विटर, इनका ये होता है कि भी जो थ्रेट्स वगैरह आ रहे हैं ना, उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि भी जो इनकमिंग अटैक्स वगैरह हैं उसकी हिंट वगैरह देते रहते हैं, जो ट्विटर वगैरह के ऊपर अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं। तो इसके अलावा ये है कि भी एक हमारे पास ना जो एक रिस्पॉन्सिव ना वो बनाना चाहिए, प्लान होना चाहिए कि भी अगर कोई हमारे पर डेटाबेस के ऊपर अटैक करे तो हमने क्या एक्शन लेना है। तो रैपिड रिस्पॉन्स टीम होनी चाहिए, टीम मैनेजमेंट की जो हमारे पास टीम है ना, वो हमारे पास रैपिड रिस्पॉन्स करे। और जो अगर जो इसके ऊपर हमारी वेबसाइट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, मतलब डेटाबेस के ऊपर, वो जल्द से जल्द उसे मिनिमाइज़ करे अटैक के ऊपर। तो आज के बस ये प्रेजेंटेशन में हमारे पास यही चीज़ें थी, तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीबुर रहमान है, रोल नंबर 36। हमारा मेन टॉपिक था डेटाबेस सिक्योरिटी, उसके थ्रेट्स और सॉल्यूशंस। जैसे कि पहले मेरे ग्रुप मेंबर्स ने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, ह्यूमन एरर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डेटाबेस, SQL इंजेक्शंस, इसी तरह डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स। तो जो मेरा मेन टॉपिक है वो है मालवेयर्स। तो मालवेयर हमारे डेटाबेस को कैसे ख़राब करता है, सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मालवेयर होता क्या है। मालवेयर शॉर्ट फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर की। तो और दूसरा ये कि मालवेयर क्रिएट किस लिए किया गया था, मालवेयर क्रिएट इसलिए किया गया था ताकि हम कंप्यूटर के ऑपरेशन वगैरह को डिस्टर्ब कर सकें, और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जिस तरह जितनी भी है कंप्यूटर में दूसरे पर्सन की, हम लोग प्राइवेट कंप्यूटर सिस्टम जिसमें है वहाँ पे एक्सेस हासिल कर सकें। और ये किसी भी मालवेयर जो है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, कोड की फॉर्म में हो सकता है, एक्टिव कंटेंट की फॉर्म में हो सकता है, या किसी सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी हो सकता है। अब सबसे पहले है कि यूजेज ऑफ मालवेयर, मालवेयर के यूजेस क्या हैं। मेन अर्ली जो इन्फेक्शन प्रोग्राम्स हैं इंक्लूडिंग फर्स्ट इंटरनेट वॉर्म, तो वो प्रैंक्स के लिए यूज़ किए जाते थे। और टुडे मालवेयर जो है ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सेंसिटिव और पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। अब आती है, हमें ये पता होना चाहिए कि मालवेयर की कितनी टाइप्स हैं। मालवेयर की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें वायरसेस, ट्रोजन हॉर्स, वर्म्स,
फिशिंग, स्पैम और रैंसमवेयर जैसे हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रैप आती है वायरस। तो वायरस है कि एक पीस ऑफ कोड है जो कि हम कंप्यूटर के अंदर लोड करते हैं अपने, और लेकिन वो हमें नहीं पता होता कि हमारे वो नॉलेज के अंदर है, हमें नहीं पता होता, और वह रन हमारी विशेज के अगेंस्ट रन कर रहा होता है हमारे कंप्यूटर पर। और दूसरा, वायरसेस जो हैं वो रेप्लिकेट करते हैं अपने आप को। और वायरसेस की एग्जांपल्स में आ सकता है मैक्रो वायरसेस हैं, बूट वायरसेस हैं, इसी तरह रेजिडेंट वायरसेस, डिफरेंट वायरसेस होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट टाइप है ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो दिखने में तो यूज़फुल होता है लेकिन उसके फंक्शंस कोई और तरह के होते हैं। और ट्रोजन हॉर्स जो है वो वायरसेस की तरह अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, अपनी कॉपीज नहीं बना सकता, लेकिन वो हमारे सिस्टम के ऊपर उसकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। ट्रोजन हॉर्स में डिफरेंट एग्जांपल आ सकती हैं, जैसे बैकडोर ट्रोजन है, की लॉगिंग ट्रोजन वगैरह है। उसके बाद वॉर्म्स क्या है? वॉर्म्स एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता है, और इट यूजेस द मेन काम है जो जिस चीज़ से ये अपने आप को कॉपीज एक दूसरे से दूसरी जगह सेंड करता है वो है नेटवर्क को यूज़ करते हुए करता है। और इस इट डज दूसरा ये कि एक ये इट डज नॉट अटैच नीड टू अटैच इट सेल्फ टू एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। इसको ज़रूरत नहीं होती कि किसी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के साथ ये अपने आप को अटैच करे और उसके बाद उसको हम करें। नेक्स्ट टाइप जो है वो है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा मालवेयर होता है जो कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल होता है, इसलिए किया जाता है ताकि हम उसको उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें यूज़र से जो भी कंप्यूटर का है। द प्रेजेंस ऑफ स्पाईवेयर जो है वो टिपिकली हिडन होती है और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ मालवेयर इज़ ज़ॉम्बीज। दैन ज़ॉम्बी एक प्रोग्राम है दैट टेक कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर एंड यूज इट एंड इट्स इंटरनेट कनेक्शन टू अटैक अदर कंप्यूटर। ज़ॉम्बीज एक की जैसे एग्जांपल दी जाती है कि अगर एक प्रोग्राम एक कंप्यूटर का एज अ ज़ॉम्बी एक्ट करता है, और अगर उसको इंटरनेट उसके साथ दूसरे कंप्यूटर कनेक्टेड है तो ज़ॉम्बी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भी अटैक कर सकता है। फिशिंग जो है वो एक नेक्स्ट है एक ऐसा मालवेयर है जिसे यूज़ किया जाता है ट्रिकिंग करने के लिए, लोगों के साथ ट्रिक करने के लिए, ताकि वो अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर या डिफरेंट उनकी बैंक कार्ड डिटेल्स वगैरह सेंड कर सके। वो हमें सिर्फ ट्रिक करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि हमें एक नई वेबसाइट पर ले जाते हैं जहाँ पर वो हमें कहते हैं कि अपनी ईमेल आईडी अपने डिटेल्स वगैरह सेंड करें, जहाँ से वो हमारे एक्सेस डिफरेंट प्राइवेट प्राइवेट चीज़ों पे एक्सेस कर सकते हो। तो दिस नेक्स्ट ऐप है मालवेयर की, वो है स्पैम। स्पैम क्या है? स्पैम एक ईमेल है दैट इज़ नॉट रिक्वेस्टेड और डू नॉट वांट, जो हमें चाहिए नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से हमारे ईमेल्स वगैरह में आ जाता है ताकि वो हमारे पास वायरसेस या ट्रोजन वगैरह को स्प्रेड कर सके। जो इस नेक्स्ट टाइप है वो है एडवेयर। एडवेयर के नाम से शो हो रहा है कि जैसे ये इसमें एड्स दी जाती हैं जिसके ज़रिए वो एडवर्टाइजमेंट डिलीवर करता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसमें पॉपअप्स आ जाते हैं हमारे पास विंडोज़ में, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर के अंदर मालवेयर्स और वायरसेस वगैरह एंटर हो सकते हैं। एंड द लास्ट टाइप ऑफ मालवेयर वो है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर ऐसा है मालवेयर है जिसके ज़रिए कंप्यूटर की जो कैप्टिविटी है वो कोई और होल्ड कर लेता है और उसके अगेंस्ट वो रैंसम मांगते हैं। जैसे एक एग्जांपल की कोई हैकर जो है हमारे कंप्यूटर के डिफरेंट ड्राइव्स को एक्सेस करके उसके ऊपर एनक्रिप्शन प्रोग्राम लगा देता है, जिसको डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के जो मालवेयर अटैक्स होते हैं उन्हें हम रैंसमवेयर बोलते हैं। मालवेयर्स के बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ अटैक्स हैं वो है इनसाइडर थ्रेट। अब इनसाइडर थ्रेट क्या होता है हमारे डेटाबेस सिक्योरिटी के अंदर? उसके लिए वो थ्रेट क्या है? वो इज़ अ सिक्योरिटी रिस्क फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री सोर्सेज। मतलब हमारे पास इनसाइडर थ्रेट की तीन तरह के थ्रेट हो सकते हैं। पहला ये कि मलिशियस इनसाइडर विद इल इंटेंट। कोई इंसाइडर हमारे प्रिविलेजेस वगैरह हमारी जो पासवर्ड्स वगैरह लेके उसे एक्सेस करके डेटाबेस के अंदर एक्सेस कर सकता है।
दूसरा ये हो सकता है कि एक अपना ही ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन जो है वो हमारी डेटाबेस की जो पासवर्ड्स और उससे एक्सेस करने के जो टूल्स हैं वो केयरलेसली उसके एक्शन की वजह से बाहर एक्सपोज कर दी जाएँ, जिसकी वजह से लोग हम पर अटैक कर सकें डेटाबेस के अंदर। तो उस इस तरह के साइट टाइप को भी इंसाइडर थ्रेट कहेंगे। और तीसरा ये कि हमारे पास एक आउटसाइडर हो जो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ हमारी जो पासवर्ड्स हैं और हमारी ईमेल आईडी जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस को एक्सेस वगैरह करते हैं, उसके वो किसी ना किसी तरीके से हैक करके वो अगर वो चीज़ हासिल कर ले तो हम उसमें भी हमारी डेटाबेस की सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट आ सकते हैं। और जो इनसाइडर थ्रेट है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि किसी भी डाटाबेस के अंदर ब्रीच किया जा सके और उसके डाटा को एक्सेस किया जा सके। तो दैट्स ऑल माय टॉपिक इज, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल एंड वी आर गोइंग टू प्रेजेंट व्हाट इज़ डाटाबेस सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड इट्स सॉल्यूशन। हमारे ग्रुप मेंबर्स का नाम है मोहम्मद उस्मान, भगवान, मोहम्मद बिलाल, हुदैफा अबू बकर, मुनीबुर रहमान। जैसा कि हमारे ग्रुप मेंबर्स ने पहले प्रेजेंट किया है कि व्हाट इज़ डाटाबेस सिक्योरिटी थ्रेट्स, व्हाट इज़ डाटाबेस सिक्योरिटी होती क्या है, उसके थ्रेट्स क्या हैं और कुछ सॉल्यूशंस, थ्रेट्स और सॉल्यूशन को उन्होंने डिफाइन कर दिया। एंड माय टॉपिक इज़ व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक एंड प्रिवेंशन ऑन अ डेटाबेस, कि डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होता कैसे है और हम उससे बच कैसे सकते हैं। दिस इज़ माई मेन टॉपिक। इन सबसे पहले एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एसक्यूएल, एसक्यूएल होता क्या है। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है जो जिसका मकसद क्या है, डाटाबेस को असेस करना और मैनिपुलेट करना, ठीक है। SQL became a standard of American National Standard Institute ANSI in 1986. के 1986 में ANSI का ये स्टैंडर्ड बन चुका था और 1987 में जो है वो ISO ने भी इसे स्टैंडर्ड मान लिया था। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट कैन SQL डू, कि SQL कर क्या सकता है। SQL सबसे पहले तो एक क्यूरी एग्जीक्यूट होगी अगेंस्ट एक डेटाबेस की, वहाँ से हम डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, इंसर्ट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, न्यू टेबल्स बना सकते हैं। इन सब क्यूरीज के बारे में आगे जाके हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, यहाँ पे बस एक ओवरव्यू दिया होगा। नेक्स्ट मेन टॉपिक इज व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन, हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन आल्सो नोन एज SQLI, एसक्यूएल इंजेक्शन मतलब उसे SQLI भी कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इंजेक्शन। ये होता क्या है, SQL इंजेक्शन इज अ कॉमन अटैक दैट यूज मेलिशियस SQL कोड फॉर अ बैक एंड डेटाबेस मैनिपुलेशन। मतलब एक हमारा SQL का मेलिशियस कोड होता है जो बैक एंड डेटाबेस होती है ना उसको मैनिपुलेट करता है, उसको असेस करता है उसकी इंफॉर्मेशन को। लाइक हमारी एक डेटाबेस है स्टूडेंट की, उसमें स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट का डेटा जो है ना वो उनसे अनऑथराइज यूजर से छुपाया गया है। जब SQL अटैक होगा तो क्या होगा कि उस डाटा को असेस कर लिया जाएगा, वो डिस्प्ले कर लिया जाएगा। आगे एक एग्जांपल दिया है कि इंफॉर्मेशन में इंक्लूड एनी नंबर ऑफ आइटम्स, ये एक मॉल ले ले, हमारा एक सुपर स्टोर है उसमें कितने नंबर ऑफ आइटम पड़े हैं, ठीक है। एक कंपनी का सेंसिटिव डेटा भी हो सकता है, एक कंपनी है उसका सेंसिटिव डेटा भी हम कर सकते हैं, इसे डिस्प्ले अपना असेस कर सकते हैं। या फिर एक प्राइवेट कस्टमर की डिटेल्स हो सकती है, उसको भी हम असेस कर सकते हैं थ्रू SQLI। अगर एक SQLI अटैक सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि अनऑथराइज्ड व्यू ऑफ लिस्ट, एक अनऑथराइज्ड व्यू ऑफ लिस्ट आपके सामने शो हो जाती है। मतलब आप जिसके लिए अनऑथराइज्ड थे ना लिस्ट के लिए, लिस्ट ऑफ आइटम्स के लिए, वो आपके सामने शो हो जाएगी। आप क्या कर सकते हो, डिलीट एंटायर टेबल्स, मतलब डिलीट कर सकते हो। एंड उससे आगे क्या है, द अटैकर गेन द एडमिनिस्ट्रेशन राइट टू द डेटाबेस। एक अटैकर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट आ जाते हैं, जब एक अटैकर्स के पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट आ जाएंगे तो फिर वो डेटाबेस में अपनी हिसाब से चेंजिंग कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, इंसर्ट भी कर सकता है,
प्रिविलेजेस वगैरह असाइन कर सकता है एंड सो ऑन, और भी बहुत से जो है वो काम परफॉर्म कर सकता है। एसक्यूएल इंजेक्शन की हमारे पास तीन टाइप है, बट पहली टाइप है इनबैंड एसक्यूएलआई, दूसरी टाइप है इन्फ्रेंशियल एसक्यूएलआई एंड थर्ड टाइप है आउट ऑफ बैंड। ये तीन टाइप है, इनको हम फर्दर डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इनबैंड एसक्यूएलआई, मतलब इनबैंड एसक्यूएलआई होती क्या है। द अटैकर यूज द सेम चैनल ऑफ कम्युनिकेशन टू लॉन्च देयर अटैक्स टू गैदर द इंफॉर्मेशन। ये अटैकर्स जो होता है वो सेम चैनल पर रहता है, जहां पर आपकी डेटाबेस पड़ी हुई है ना, उसी डेटाबेस पर रहकर वो अटैक करता है और गैदर करता है इंफॉर्मेशन को। हम इसी इनबैंड एसक्यूएलआई की आगे इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे। इसकी दो सब वेरिएंट होती है, एक होता है एरर बेस्ड एसक्यूएलआई, एक होता है यूनियन बेस्ड। एरर बेस्ड में क्या होता है कि जब एक एक्टर जो अटैकर होता है ना वो परफॉर्म करता है एक्शन को, तो डेटाबेस पर एक एरर प्रोड्यूस हो जाता है, डेटाबेस को अनअवेलेबल कर देता है या और भी बहुत से एरर्स वगैरह प्रोड्यूस हो सकते हैं। दूसरा इसका यूनियन बेस। इस यूनियन बेस में क्या होता क्या है कि जब आप एक या एक से ज़्यादा डेटाबेस को थ्रू यूनियन कनेक्ट करते हैं ना, तो क्या होता है कि हम उस यूनियन एसक्यूएलआई ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम स्टेटमेंट को या कुछ डेटाबेस की जो हो सकती है आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर कर देते हैं। जैसे ही यूनियन लगता है ना, तो डेटाबेस पर सिक्योरिटी बहुत वीक हो जाती है, इसलिए यहाँ पर अटैक जल्दी लगता है। दूसरा हमारा इन्फ्रेंशियल एसक्यूएलआई, द अटैकर, इसमें होता क्या है, अटैकर जो होता है ना आपका पेलोड जो होता है ना वो सर्वर पर सेंड करता रहता है और उसका ऑब्जर्व करता है कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, और उससे लर्न करता रहता है कि उस डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। मतलब एक अटैकर जो है वो अपना पेलोड सेंड करी जा रहा है और वहाँ से फैच कर रहा है, उसका रिस्पॉन्स देख रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। इस मेथड को हम ब्लाइंड भी कहते हैं। ब्लाइंड हम क्यों कहते हैं, इसकी मेन वजह ये है कि अटैकर के पास ना तो कोई इंफॉर्मेशन होती है डेटाबेस के बारे में, और ना ही उसके पास डेटा ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वेबसाइट टू द अटैकर, ठीक है, इसलिए हमें ब्लाइंड भी कहते हैं। ब्लाइंड एसक्यूएलआई के आगे दो टाइप्स हैं, एक बोलियन है एक टाइम बेस है। बोलियन में ये होता है कि जब हम एसक्यूएलआई क्यूरी इंसर्ट करते हैं ना, तो हमें या तो क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है या फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होती। जब एग्जीक्यूट होगी तो हमें ट्रू रिजल्ट करेगा, अगर एग्जीक्यूट नहीं होगी तो हमें फॉल्स रिजल्ट करेगा। दो पॉसिबिलिटीज। टाइम बेस में क्या होता है कि अटैकर क्यूरी को सेंड कर देता है और वो डेटाबेस को वेटिंग स्टेट में ले जाती है फॉर अ पीरियड ऑफ सेकंड, और वेटिंग स्टेट में जब जाती है तो उससे पहले क्या होता है, वो रिएक्ट कर चुकी होती है, मतलब वेदर द क्यूरी इज ट्रू और द फॉल्स इसका रिएक्शन दे चुकी होती है, ठीक है, डेटाबेस को वेटिंग में ले जाने से पहले। नेक्स्ट है आउट ऑफ बैंड। आउट ऑफ बैंड जो होती है, ये अटैकर्स कैंट यूज द सेम चैनल, इसमें ना सेम चैनल यूज होता है, ठीक है, लॉन्च करने के लिए अटैक, और इसमें अटैकर इज प्रीमियली यूज द अल्टरनेटिव टू द इन बैंड एंड आउट इन्फ्रेंशियल बैंड टेक्निक। ये तो ऊपर वाली टेक्निक्स हमने पढ़ी है ना, इनका प्रीमियरली जो है ना अल्टरनेटिव यूज करता है। अब यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, बाद में हम नेक्स्ट इंप्लीमेंट भी करेंगे। यहाँ पर क्या है जी, There are many ways to that attack vector executed. मतलब यहाँ पे हम बहुत से वेज हो सकते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट नेम, सेलेक्ट स्टेटमेंट हमारी यूज होती है सेलेक्ट करने के लिए आइटम्स, ठीक है, आइटम नेम हमने सेलेक्ट करना है, आइटम डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करनी है, फ्रॉम के आगे जो हम देते हैं वो टेबल का नेम देते हैं, फ्रॉम आइटम, मतलब हमारे पास एक आइटम टेबल है वहाँ से हमने सेलेक्ट करना है वेयर आइटम नंबर, जहाँ पर आइटम नंबर इज इक्वल टू 999 हो जाए या फिर 1 is equal to 1। इससे होता क्या, अगर मैं एक अटैकर हूँ ना, मुझे नहीं पता कि आइटम नंबर 999 का डाटा अंदर पड़ा भी हुआ है या नहीं पड़ा डेटाबेस में, तो उसके लिए मैं एक और लगा के 1 is equal to 1 लिख दूंगा। 1 is equal to 1 का मतलब क्या होगा कि ये ऑलवेज ट्रू होगी, मतलब जब ये 1 is equal to 1 आएगा ना, तो ये सारी जो होगी हमारी क्यूरी ट्रू हो जाएगी, और हमें जितने भी आगे आइटम पड़े होंगे ना आइटम टेबल में, जितने भी आइटम नंबर के आइटम पड़े होंगे उनकी डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इनकरेक्टली फिल्टर करेक्टर को भी यूज कर सकते हैं। लाइक हमारे पास आ गया आइटम नंबर इक्वल टू 999, हमारे पास एक आइटम नंबर पड़ा हुआ है डेटाबेस में, आइटम डेटाबेस में आगे ही हमने कॉमा लगाया, जो कॉमा होता है ना, सॉरी सेमी कॉलन होता है ना, ये टू फील्ड को एक सेपरेट करता है, ठीक है। जैसे ही ये पिछले वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ड्रॉप टेबल यूजर, तो क्या होगा कि आपका यूजर्स का टेबल ड्रॉप हो जाएगा, ये भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट ये यूनियन सेलेक्ट होता है। यूनियन सेलेक्ट होता क्या है कि जब दो डेटाबेस को हम करते हैं ना यूनियन के जरिए जोड़ते हैं, तो इसमें सिक्योरिटी वीक हो जाती है और इससे हमारा जो है ना अटैकर जल्दी से आसानी से अटैक कर लेते हैं। हाउ
हाउ टू प्रिवेंट एन एसक्यूएल इंजेक्शन, वो तो था अटैक होता कैसे, हमने इसको प्रिवेंट कैसे करना है। द ओनली वे टू प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक इज अ इनपुट वैलिडेट, मतलब एक डेटाबेस से जब इनपुट जाती है ना उसको पहले ही वैलिडेट कर लें, ये हो सकता है। और आप एप्लीकेशन कोड को कभी भी डेटाबेस में डायरेक्टली इनपुट ना करें, उसको पहले वैलिडेट करें। वी मस्ट सैनिटाइज ऑल इनपुट्स, मतलब हमें जो भी इनपुट्स देनी है उन्हें सैनिटाइज करना चाहिए। वी मस्ट रिमूव द पोटेंशियल मैलिशियस कोड, जो पोटेंशियली मैलिशियस हो सकता है उसको रिमूव कर दें। और एक और है सिक्योरिटी प्रिवेंशन के लिए, हमें डेटाबेस जो है ना वो शेयर्ड नहीं होनी चाहिए, शेयर्ड डेटाबेस होगी तो आपका अटैक्स बहुत जल्दी लग जाएगा। हम यहाँ पे एरर्स की जो डेटाबेस वो है ना फ्रंट एंड पे विजिबिलिटी, उसको टर्न ऑफ कर दें, ठीक है। ये भी डेटाबेस प्रिवेंशन के लिए यूज होता है। डेटाबेस एरर्स जो होते हैं ना, डेटाबेस की एरर्स जो होते हैं ना कैन बी यूज टू विद द एसक्यूएल इंजेक्शन टू गेन। अब जब एरर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे फ्रंट एंड पर, वो क्या करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन के साथ उन एरर को वो करेंगे, यूज करेंगे और डेटाबेस से डाटा फेच कर लेंगे। इसका एक और मेथड है कि हम रेगुलर अपडेट्स और इम्प्लीमेंटेशन करते रहे लेटेस्ट सिक्योरिटी, हमारे पास जो भी सिक्योरिटी आती है ना लेटेस्ट मेजरमेंट के लिए उसको अपडेट कर दें अपनी डेटाबेस पर या इम्प्लीमेंट कर दें। लास्ट वन है कि इंस्क्रिप्शन, हम अपने डाटा को इंस्क्रिप्टेड फॉर्म में रखें ताकि अगर कोई फेच कर भी लेता है तो उसे क्या हो, समझ ही ना आए उस डाटा की। अब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं एसक्यूएल की, एसक्यूएलआई की, और इन बैंड एसक्यूएलआई हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये क्यूरीज हैं, मैं इनको अपने सिस्टम पर आपको रन करके दिखाता हूँ ये सारी क्यूरीज रन कैसे करती हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक क्रिएट डेटाबेस कर रहे हैं, ये हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है, जिसमें यूज एक वेरिएबल सर्वर नेम लिया है, ठीक है, ये सारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है डेटाबेस के साथ। अभी तो डेटाबेस क्रिएटेड नहीं है इसलिए हम वेरिएबल्स ले रहे हैं। हमने क्यूरी ली एसक्यूएल की कि क्रिएट डेटाबेस एनिमल, कि एनिमल की डेटाबेस को क्रिएट करो, और ये हम उस क्यूरी को रन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये वाला सारा कोड सेम रहेगा, अगर हम कुछ और परफॉर्म करना चाहते हैं डिफरेंट आएगा हमारा यहाँ पर क्यूरी पर, कि हम सिर्फ क्यूरी चेंज करेंगे और हमारा बाकी सेम कोड ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अगर क्यूरी रन हो जाती है, मतलब क्यूरी इज इक्वल टू एसक्यूएल वेरिएबल्स, वो हमारा रन हो जाता है, ट्रू आ जाता है, तो एनिमल डेटाबेस क्रिएट सक्सेसफुली हमारा मैसेज आ जाएगा और डेटाबेस क्रिएट भी हो जाएगी। हम इसको अब मैं इंप्लीमेंट करके बताता हूँ। ये हमने ना PHP लैंग्वेज के थ्रू किया है, कि जो PHP हमारी है ना उसके थ्रू बैकएंड के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस, ये मैं डेटाबेस क्रिएट पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास आ गया एनिमल डेटाबेस इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब वो हमारा कोड बैकएंड पे चल चुका है। अब देखते हैं कि वो वाली हमारी डेटाबेस क्रिएट हुई भी है या नहीं हुई। तो ये देखें, ये वाली एनिमल डेटाबेस जो है ना ये हमारी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो हमने सिर्फ क्या किया है कि एक क्लिक किया है और एनिमल डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है, ये क्रिएट की हमारी क्यूरीज है। देन नेक्स्ट है कन्फिगर, कन्फिगर का हमने क्या किया कि एक कोड लिख के रख दिया साइड पे जो हमारा डेटाबेस को हमें कन्फिगर करके देगा कि ये वाला डेटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश करके देगा। नेक्स्ट ये इंसर्ट की क्यूरी है, ये हमने पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश किया हमारा डेटाबेस के साथ थ्रू कन्फिगर। हमने क्या किया, ये एसक्यूएल इंसर्शन का ही किया, ओनली इंसर्शन, कि वो इंसर्ट कर दे इनटू पर्सनल, मतलब पर्सनल के अंदर इंसर्ट कर दे वेयर नेम इज दिस, रोल नंबर, क्लास एंड ईमेल, वैल्यूज उनकी सामने हमने देखी। मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ हुज़ैफ़ा, रोल नंबर इसका 25 कर देते हैं और BSCS कर देते हैं। जी क्या करेगा, हमारा BSCS वाली डेटाबेस के अंदर जाके ये वैल्यू इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको भी इंप्लीमेंट करते हैं इंसर्शन वाली को, इंसर्ट, ये इंसर्ट, तो रिकॉर्ड इज इंसर्टेड टू द डेटाबेस। अब डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ भी है उसके लिए हम देखेंगे सिंपल, ये हमारी BSCS की है, ये उसमें आएंगे तो एट द लास्ट पे ना हमारे पास वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका होगा जो हम करेंगे परफॉर्म किया था हमने पीछे, ठीक है। यहाँ पे लास्ट पे देखें, ये देखें हुज़ैफ़ा 35 BSCS हमारे पास इंसर्ट हो चुका है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि डिलीट भी कर सकते हैं। हमने पहले वही कन्फिगर का उसके साथ डेटाबेस का लिंक बनाया, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिलीट कर दो बिलाल वाला, जिसका नेम बिलाल है उसको डिलीट कर दो। यहाँ पे देखें कि डेटाबेस में हमारे पास ये बिलाल का होगा, ठीक है, इसको अब जब ये क्यूरी रन होगी तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिलीट हम करेंगे डिलीट PHP, तो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, रिकॉर्ड ऑफ द नेम अनएक्सपेक्टेड एरर,
सबसे पहले एरर देखते हैं क्या है। तो ये हमने यहाँ पे डबल कोट नहीं लगाया होता, ये एरर था। अब ये रिकॉर्ड चल जाए, ये डिलीट, हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पे डिलीट हुआ या नहीं हुआ। सिंपली इसको करेंगे रिफ्रेश। ये मैंने अपने ही सिस्टम को क्या बनाया हुआ है, एक सर्वर बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे बिलाल रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। ऐसे ही हम और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट का क्या होता है कि आपका जो है ना नेम वगैरह होगा उसको सेलेक्ट करके डिस्प्ले करवा देगा। ये मैंने जो नीचे कोड लिखा हुआ है ये टेबल में डिस्प्ले करवाने के लिए कोड लिखा हुआ है, ठीक है। हमारा डेटा जो है वो टेबल में डिस्प्ले हो जाएगा। ये सेलेक्ट किया तो वो देखेंगे बिलाल नेम का रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि हमारे डेटाबेस में हमें बिलाल नेम का रिकॉर्ड जो है वो डिलीट कर दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए ये रिकॉर्ड हमारे पास शो नहीं हो रहा। अपडेट में क्या होता है कि आप अपडेट करते हैं प्रीवियस डेटा को, ठीक है। इसमें ये क्यूरी लगती है हमारी, ठीक है। इसमें अपडेट की क्यूरी लग सकती है। अपडेट अपडेट करेंगे, एक टेबल का नेम लिखेंगे, वो आगे उसकी वैल्यूज वगैरह लिखेंगे, वो सारी अपडेट्स वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। ये हम अपडेट कर सकते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट इनटू किया ना, ये हम अपडेट इनटू कर देंगे, ये हमारा अपडेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा था एक था कि ये सिर्फ ये क्यूरीज रन कैसे करती है। अब हमने करना है कि SQL जो है ना उसका इंजेक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। लाइक अगर मैं देखता हूँ, हमने जब ये क्यूरी इंसर्ट की ना तो हमें आंसर आया रिकॉर्ड नॉट फाउंड, कि रिकॉर्ड फाउंड ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक और जो है ना एक क्यूरी इंसर्ट करेंगे, और 1 = 1 मतलब 1 = 1। ये हमने क्यूरी इंसर्ट की, इससे होगा क्या कि अगर बिलाल का डेटा उन्हें नहीं भी मिलता तो वो क्या करेंगे कि हमें 1 = 1 ऑलवेज ट्रू होता है ना, तो हमें वो सारा डेटा शो करवा देंगे। जैसे ही ये देखें, पहले तो मेरे पास आया था नो रिकॉर्ड फाउंड। जब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट केस में मुझे उन्होंने पूरा डेटा दे दिया। पूरा डेटा क्यों दे दिया भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक मैलिशियस कोड को इंसर्ट किया जिसने क्या कर दिया, अनअवेलेबल डेटा को भी मेरे पास अवेलेबल कर दिया, ठीक है। 1 = 1 यूज कर सकते हैं, और भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसे डिलीशन के लिए क्या हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा था ना डिलीट करने के लिए, अगर डिलीशन का हमें मिलता ही नहीं है। लाइक यहाँ पे मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि ये डेटाबेस है, इसको बैक करो, डिलीट करता हूँ, डिलीट, वो यहाँ पे मुझे बोलेगा रिकॉर्ड है ही नहीं जिसको मैं डिलीट करूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल 1 = 1 क्यूरी उसमें इंसर्ट करूँगा, जहाँ पर मैं क्यूरी और लगाता हूँ, और सेव करके जब मैं इसे रन करूंगा तो मेरा सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। पहले तो यहाँ पे देखे ना बीएस पर्सनल में मेरा सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। जब डिलीट की क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो वो कुछ भी नहीं रह जाएगा, ठीक है, सारा जो है वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। व्यू आ जाए जी, लेकिन अभी मैं डिलीट की क्यूरी को रन करने लगा हूँ, डिलीट 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 रिकॉर्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। मैं आता हूँ बी एस सी एस में वो देखें, जब रिकॉर्ड डिलीट हुआ तो मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया, मेरा सारा टेबल ही डिलीट हो गया। जब कुछ रिकॉर्ड रहा ही नहीं बी एस सी एस में तो वो टेबल ही डिलीट हो गया। ये बी एस सी एस की डेटाबेस में आए, उसमें वो जो पर्सनल वाला टेबल था वो ही हमारा डिलीट हो चुका है। ये हमने क्या किया कि सिर्फ एक मैलिशियस कोड लिखा है और डेटाबेस पे अनऑथोराइज एक्सेस पा लिया, ये हमारे पास अनऑथोराइज एक्सेस हो गया। ऐसे ही अगर हम इंसर्शन की बात करें तो ये वो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा था कि हम कैसे एक डेटाबेस सेम कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हम जो है डेटाबेस को हैक करते हैं, लाइक उस पर मेलिशियस जो है वो काम परफॉर्म करते हैं। आगे ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है वो कोड यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, ये सारा कुछ। जब हमने क्या किया यहाँ पे देखो, बिलाल नेम से हमने सेलेक्ट किया तो मेरे पास बिलाल का रिकॉर्ड आ गया। जब मैंने बिलाल के आगे ये आगे कुछ और नेम लिखा है तो उन्होंने बता दिया रिकॉर्ड फाउंड ही नहीं है, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड होगा ही नहीं। जैसे ही मैंने वो सेम नेम जिस पे हमारा नॉट आ रहा था फाउंड, उसके आगे और क्यूरी लगाई तो मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ गया। ये हमारा था कि SQL इंजेक्शन काम कैसे करती है। थैंक यू सो मच।
ये मेरा टॉपिक यहीं तक कंप्लीट होता है। गाया आगे प्रेजेंट करते हैं माय नेक्स्ट मेंबर।